हेलो एवरीबडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना सही है या नहीं है। देखिए, पहले कुछ वीडियोज में मैंने आपको पहले तो ये बताया कि इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, फिर मैंने बताया कि किस तरह के इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। अब बात ये होती है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या इलेक्शन में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन मतलब क्या कि जैसा आप देखते हैं जो मैदान है पूरा जंग का, ठीक है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ती है लड़ने के लिए, क्या लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या वो सही है या गलत है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्शंस अगर बात करें तो इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के बारे में है कि क्या होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है, कॉम्पिटिशन जो होते हैं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, कि एक पार्टी बोलेगी नहीं मैं आगे जाना चाहती हूँ, दूसरी पार्टी बोलेगी मैं आगे जाना चाहती हूँ, और उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। तो ये सब कुछ इलेक्शन में होना तय है। तो अगर ये ना होगा तो फिर इलेक्शन कैसे रह जाएंगे, ठीक है, एक वो भी सवाल आता है। तो इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन तो बिल्कुल सही है, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होता कि एकदम मारापीटी चालू हो जाती है। इलेक्शंस में सिंपल सी चीज ये है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो आगे आना चाहे वो आगे आ जाए, लेकिन ये फेयर अपॉर्चुनिटी जो है तो इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है, ये जो आप ओपन चैलेंज दे देते हैं एक तरह से कि हाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे भी पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब लीगल प्रोविजंस होते हैं लेकिन यहाँ पे सब अलाउड है, सब अलाउड है मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है कि जिसे इलेक्शन लड़ना है वो आ सकती है। तो उसका डिमेरिट्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है, सभी प्रकार के लोग अलाउड है, तो चाहे वो पढ़े हों, पढ़े लिखे हों, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो गरीब हों, चाहे पैसे वाले हों, सभी लोगों को अलाउ किया गया आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर ऐसी चीज देखी जाए तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स ये हैं कि जैसे अब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो उसके चलते क्या होता है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फ्रैक्शनलिज्म। ये फ्रैक्शनलिज्म जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या होता है फ्रैक्शनलिज्म, देखिए कि आप देखते हो अधिकतर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब एरेना में उतरती है, मतलब इलेक्शन के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो उस समय पे क्या होता है हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो जीते। अब जीतने के लिए वो क्या करती है, कास्ट का यूज कर लेती है, रिलीजन का यूज कर लेती है, अलग अलग कल्चर का यूज कर लेती है अपने वोट को बढ़ाने के लिए। अब जब अपने वोट को बढ़ाने के लिए इस तरह से ये सेंसिटिव फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है तो सोसाइटी डिवाइड होने लगती है। तो क्या करती है, इसके चलते हमें समझ में आया कि इलेक्शन में जब कंपटीशन है, ये जो ओपन कंपटीशन है, इस कंपटीशन के चलते क्या है, इस कंपटीशन के चलते सोसाइटी में डिसयूनिटी डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपने मोटिव के पर्पज से सोसाइटी को तोड़ मरोड़ देते हैं, ठीक है। और देखते हैं पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स। अब क्या होता है, कुछ भी इशू होता होगा ना, आपने न्यूज़ में देखा होगा कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है या फिर कोई ख़राब चीज़ भी हो रही है, रूलिंग पार्टी अगर कुछ करती है तो उसका अपोजिशन पार्टी तय है कि अपोज करना तय है उसको, ठीक है, उसमें कुछ नुक्स निकालने लगेगी। वैसे अपोजिशन पार्टी कुछ करती है तो रूलिंग पार्टी उसमें नुक्स निकालने लगेगी, उस पर आरोप और आरोप प्रत्यारोपण सारी चीज़ें चालू हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, क्या करती है पार्टीज अधिकतर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, पार्टीज लेवल एलिगेशंस, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के ऊपर, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है। और अधिकतर डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती है, जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, करप्शन तो ऐसा बोल सकते हैं इलेक्शन इक्वल टू करप्शन, उसके बाद में डर्टी ट्रिक्स ही हो गई, मसल पावर यूज की जाती है, जो पावरफुल है तो छोटे मोटे लीडर्स को पकड़ के डरा के धमका देते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस जीतने के लिए। ये सारे डिमेरिट्स बता रहा हूँ मैं आपको, किस चीज़ के, पॉलिटिकल कंपटीशन के, जो हम हेल्दी कंपटीशन की बात करते हैं उसके, ठीक। तो नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब ये है पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते क्या है, आज सरकार आई है 5 साल बाद बदल जाएगी, फिर 10 साल चलेगी, फिर 5 साल बाद बदल जाएगी, तो कोई भी लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पार्टी बदली, सोच बदली, प्लान्स बदले, पॉलिसीज बदली, सारी चीज़ें बदल गई, तो लंबे समय तक किसी भी तरह के कोई प्लान्स पॉलिसीज नहीं चल पाते। क्यों, इलेक्टोरल कंपटीशन में, क्योंकि लोग भी वैसे हैं, लोग क्या करते हैं किसी पार्टी को चलने ही नहीं देते हैं। जैसे राजस्थान का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हर 5 साल में वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, अलग अलग पार्टीज की अलग अलग गवर्नमेंट आती रहती है। तो अब किसी पार्टी को आप एक लंबे समय तक अगर टाइम नहीं दोगे तो वो लॉन्ग टर्म विजन पे कैसे काम करेगी, वो भी फिर यही सोच, पार्टीज भी यही सोचती कि छोटे छोटे गोल सेट करो, कुछ समय के लिए लोगों को खुश करो और अगली बार फिर इलेक्शन में आ जाओ। अगर समझ में, तो यहाँ पे गलती दोनों की है बराबर, लोगों की भी और पार्टीज की भी, तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं सेट कर पाते हम, हमारा जो टॉपिक अगर उससे रिलेट करें तो। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के चलते हर पार्टी को ये रहता है कि यार अगला इलेक्शन कैसे जीते, बस ये देखा जाए, लॉन्ग टर्म विजन को मारो गोली, अभी क्या करना हमें, अगला इलेक्शन जीतना है तो उसके बारे में सोचते हैं। ये हो गया। फिर क्या है, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं,
ठीक है, जो ऐसी चाह रखते हैं कि देश के लिए कुछ करना है मेरे जैसे, तो वो लोग क्या है, वो लोग एंटर नहीं कर पाते इस एरेना में. मतलब वो उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक क्या है, एक तरह से एक गलत सेगमेंट हो जाएगा मेरे लिए. क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को ऐसा लगता है मैं वहां जाऊंगा पॉलिटिक्स में तो मेरे साथ भी पॉलिटिक्स होगी, ये सारी चीजें. तो उसके चलते क्या, अच्छे लोग जो सर्व करना चाहते हैं देश को, वो इस एरेना में एंटर ही नहीं करना चाहते, इस दंगल में वो उतरना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ गलत है. तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोग काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं देश के लिए, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में. क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है सही जगह नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है. तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो पकड़ के रखे हुए हैं किस चीज़ को, अच्छे लोगों को. उन्हें लगता है कि ओपन कॉम्पिटिशन में शायद हो सकता है जो हमारा साफ सुथरा सा दामन है वो गंदा हो जाएगा, ये मानना है. ठीक है, उसके बाद में क्या है, तो हमने डीमेरिट्स देखे इतने, काफ़ी है इतने डिमेरिट्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इतने डिमेरिट्स देखने के बाद में, समझने के बाद में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. अभी अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आप बोलोगे पिछले वीडियो में तो आप बहुत बड़ाई कर रहे थे सर, पिछले चैप्टर के वीडियोज़ में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी मेहनत की गई है लोगों ने, सही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. और अब आप अभी यहाँ पे क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन जानबूझ के रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ऐसा क्यों? तो क्या पॉलिटिकल लीडर्स वर दे नॉट अवेयर ऑफ इट? ठीक है, वर दी पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट? तो हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स को पता था बिल्कुल कि अगर ओपन कंपटीशन रहेगा, पॉलिटिकल कंपटीशन, तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आना है. लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस चीज़ को डाला है, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ओपन कॉम्पिटिशन दिया है. तो उसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी. आपको क्या लगता है, सारी मतलब वो तो ये तो वाली बात होगी ना कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी कंट्री डिवाइड हो जाए, डिसयूनिटी बढ़ जाए, फिर भी आप उस चीज़ को रख रहे हैं, तो शायद कुछ और बेहतर सोचा होगा. हाँ जी बिल्कुल, और बेहतर कुछ सोचा है. वो क्या है, मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क. कैसे, वो मैं समझाता हूँ. इधर देखिए क्या होता है, जब कॉम्पिटिशन होगा, आपको पता है आप क्लास में एक ही बच्चे हो, तो आप क्या ना भी पढ़ोगे, आप 40% भी लाओगे तो भी आप क्लास में टॉप कर जाओगे, मानते हो उस चीज को? तो वही यहाँ पे था कि अगर कंपटीशन ना होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं भी करेगी तो उन्हें पता है कि अगली बार हमें ही चूज करेंगे लोग. आया समझ में? तो कंपटीशन बहुत जरूरी है. अधिकतर आपने ऐसा सुना होगा कि अच्छा पेरेंट्स बोलते होंगे कि अपने फ्रेंड के साथ में पढ़ो, तो वो बोलते हैं कि फ्रेंड के साथ में पढ़ोगे तो कॉम्पिटिशन डेवलप होगा तुम्हारे बीच में, और तुम मनी मन सोचते होंगे दोस्त है मेरा, भाई है वो, तो उसके साथ कैसे कॉम्पिटिशन डेवलप होगा? तो वो कंपटीशन कैसे डेवलप होगा, कंपटीशन जब डेवलप होगा तो आपको कुछ बेहतर करने की इच्छा डेवलप होगी आपके अंदर. ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन जरूरी होता है. लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन. मतलब अगर किसी लीडर को बने रहना है, अपनी पॉलिटिकल कुर्सी को संभाल के रखना है, पॉलिटिकल चेयर को संभाल के रखना है, तो क्या करना होगा उनको, उनको लोगों के लिए काम करना होगा. क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन है, वो नहीं काम करेंगे तो कोई और दूसरा काम करेगा और उन्हें हटा दिया जाएगा. आया समझ में? तो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? यस, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन डिस्पाइट हैविंग दिस डीमेरिट्स. तो ये इतने सारे डीमेरिट्स हैं, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज काम करें. वो एक इंसेंटिव का काम करता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगी, अपने आप बाहर हो जाएगी. अब देखो कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स कितनी मेहनत करते हैं, वो लोग करप्शन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जस्ट ऑन अ लाइट नोट. लेकिन इसके अलावा जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं क्या कि उन्हें आगे लंबे समय तक अगर अपनी कुर्सी बनाए रखना है तो काम करना होगा, नहीं तो क्या है, जनता अगले इलेक्शन में उन्हें हटा देगी. तो इसके चलते पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ अ रिवार्ड फॉर सर्विंग एंड एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी. तो जो लोग सर्व करेंगे सोसाइटी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा. मैंने बनाई है लाइन, ठीक है, और जो लोग नहीं करेंगे उन लोगों के लिए एक पनिशमेंट की तरह काम करेगा. दिखती बात है अगले इलेक्शंस में नहीं आएंगे. सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक होटल पर अगर आप जाते हैं, वहां का खाना अच्छा होगा, टेस्टी होगा, तो दिखती बात है उसकी जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ता जाएगा, बार बार लोग वहां जाएंगे. अगर खाना खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो दिखती बात है कि वहां से कंज्यूमर्स छूटते चले जाएंगे. ठीक है, तो वो ये है कि आप कितना अच्छा प्रोवाइड करते हो. ठीक है, सेम अप्लाइज टू दी इलेक्शंस ऑल्सो. इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अब देखेंगे हम इंडिया में क्या सिस्टम है पूरा इलेक्शन का,
तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टार्ट करेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.